हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विथ माय गार्डन में। सो फ्रेंड, आप ये प्लांट को देखकर जान ही गए होंगे। फ्रेंड, ये तुलसी का प्लांट है और इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो एक बना दी है फ्रेंड। फिर भी आज का जो टॉपिक है फ्रेंड, वो है कि हम इसके सीड को कलेक्ट करके किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये प्लांट है वो फ्रेंड इजी टू ग्रो है, इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस वाला प्लांट भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते होगे फ्रेंड कि इसके कितने सारे सीड बन चुके हैं और वैसे भी मेरे पास काफ़ी सारे इसके प्लांट की वेराइटी है। तो असल में ये तो राम तुला है, कृष्ण तुला है, इस प्रकार की वेराइटी आती है और एक दो भी आती है फ्रेंड, लेकिन मेरे पास है वो ये दो ही वेराइटी है। तो इसमें से काफ़ी सारे सीड है फ्रेंड, वो बन चुके हैं देखिए। तो ये सीड से क्या है फ्रेंड कि इसकी ग्रोथ भी थोड़ी रुक जाती है और इतना हेल्थी भी नहीं रहता है। तो इसके सीड है हमें निकालने ही पड़ते हैं। और साथ ही फ्रेंड आप देख सकते होगे कि ये कृष्ण तुला के सीड है, देखिए इस प्रकार से, और ये है राम तुला। तो इसके सीड में भी थोड़ी डिफरेंस है देखिए आप। तो इसके बारे में ही आज मैं पूरी ये वीडियो है और डिटेल के साथ दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड आप इसकी हाइट देखिए, तो भी ये तकरीबन 1.5 फीट या 2 फीट के करीब होता है। फिर अपने आप ही ये झुकने लगता है। और इसकी मिट्टी की बात करूँ फ्रेंड, तो पुराने वीडियो में भी मैंने कहा था और इस वीडियो में भी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो इसमें वेल्डन मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड मैं पानी की बात करूँ, तो ये प्लांट को थोड़ी पानी की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, तो आप इसमें टाइम टू टाइम पानी देते ही रहे, क्योंकि पानी यदि इसे अच्छी तरह से ना मिला तो इसके पत्ते वगैरह है वो सूखने लगते हैं। आप देखिए कि कुछ प्लांट में हरे भरे हैं और कुछ प्लांट में देखिए ज़्यादा धूप भी लग चुकी है इसे, और पानी की भी थोड़ी रिक्वायरमेंट बनी रहती है इसमें। तो आप इसकी भी थोड़ी आपको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप सेमी शेडी एरिया में वगैरह में रखोगे फ्रेंड तो ये अच्छी तरह से सर्वे होगा। मेरे कुछ प्लांट है वो सेमी शेडी एरिया में है और एक दो प्लांट है वो मैंने धूप में रख दिए थे फ्रेंड, तो ये नौबत आ जाती है, क्योंकि ये अपने आप ही ग्रो हो गया था। वो देखिए ये अनानास के अंदर ही ग्रो हुआ था, तो मैंने निकाला नहीं फ्रेंड। तो अनानास को थोड़ी धूप चाहिए और इसे थोड़ी छाव चाहिए, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो चुका है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, क्योंकि अनानास भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए और हमारा तुलसी भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें फ्रेंड। और फर्टिलाइज़र की बात करूं फ्रेंड, तो इस प्लांट में कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बनी नहीं रहती है। यदि आप और प्लांट में कोई कावडंक है, वर्मी कंपोस्ट है, इस प्रकार की घरेलू खाद है वो देते हो फ्रेंड, तो उसके साथ थोड़ा बहुत इसे भी दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई रिक्वायरमेंट ऐसी बनती नहीं है कि इसको फर्टिलाइज़र की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो। और इसके बाद जंतुनाशक की कोई बात करूँ, तो इसमें कोई पेस्ट अटैक भी बहुत ही कम लगता है। वैसे तो ये एक हर्बल पौधा ही है फ्रेंड, तो यदि इतने सारे ज़्यादा प्लांट हो फ्रेंड तो हमारे गार्डन में मच्छर भी कम हो जाते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस तुलसी प्लांट का। और गमले में फ्रेंड आप टाइम टू टाइम गुड़ाई भी करते रहे और इसकी प्रूनिंग भी करनी चाहिए। नहीं प्रूनिंग करेंगे फ्रेंड तो ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो फ्रेंड कि इसकी भी हमें कटिंग छटिंग करनी ही पड़ती है। तो ये मैंने नहीं की है फ्रेंड, ये मेरी भी गलती है, तो इसे हमें करना ही चाहिए। और प्लांट में है वो मैंने थोड़ी कर दी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं की है, तो ये सर्वे में प्रॉब्लम करता है फ्रेंड। इसकी सीड है वो भी हमें कलेक्ट करके स्टोर कर लेने चाहिए यदि और प्लांट हमें ग्रो करने हो। तो फ्रेंड आप जानते ही हो कि कई नज़रिए से ये प्लांट है वो काफ़ी लाभकारी प्लांट है। तो फ्रेंड हम इसके सीड के कलेक्शन की बात करें, तो ये बीज से ग्रो होने के साथ आयुर्वेदिक दृष्टि से भी कई लाभ और हर्बल पौधा है फ्रेंड। इसके सीड के भी इतने ही गुणकारी है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। तो फिलहाल मैं इस प्लांट में सभी में फ्रेंड सीड है वो निकल लेता हूँ, तो आपको यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा, आप देख सकते होगे फ्रेंड। और इसके अंदर ही इसके सीड होते हैं, वो भी मैं आपको निकाल कर दिखा ही देता हूँ। तो तब तक ये वीडियो मैं थोड़ी स्क्रिप कर दूंगा फ्रेंड, क्योंकि थोड़ी मुझे देरी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आप देख सकते होगे फ्रेंड ये काफ़ी मात्रा में इसके सीड है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं।
फाइनली फ्रेंड हमने इसके सीड है वो प्लांट से हटा दिए हैं, यानी कि कलेक्ट कर लिए हैं, आप देख सकते होगे फ्रेंड। वैसे फ्रेंड इसके सीड प्रोड्यूस होने लगे तो इसकी ग्रोथ भी थोड़ी थम जाती है, तो सीड हमें इसके निकालने ही चाहिए या कलेक्ट करके स्टोर कर देने चाहिए। सभी सीड है वो हमने निकाल दिए है, कई दिनों से निकाला नहीं था फ्रेंड, थोड़ी मेहनत भी लगी, लेकिन आखिरकार प्लांट है उसमें से हमने सीड है वो कलेक्ट कर ही लिए। वो सीड भी मैं आपको दिखाई देता हूँ फ्रेंड, तो ये रहे उसके सीड, ये थोड़े कच्चे वाले थे फ्रेंड, तो ये तो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो गए, लेकिन इस सीड में से फ्रेंड हजारों प्लांट तैयार हो सकते हैं, ऐसे ऐसे निकलना भी आसान है फ्रेंड। देखिए इस प्रकार से ही आप मसलोगे फ्रेंड तो ये आसानी से सीड है वो इसमें से अलग हो जाएंगे, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए फ्रेंड ये छोटे छोटे जो सीड है इससे ही ये प्लांट है वो ग्रो होगा, तो और हजारों प्लांट हम तैयार कर सकते हैं भले ही हम ना करें, और फ्रेंड्स को गिफ्ट तो ज़रूर दे सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ है वो अब चलेगी, बस इतनी केयर करें फ्रेंड तो ये प्लांट भी अच्छी तरह से सर्वाइव होगा, और हजारों की संख्या में हम सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ फ्रेंड कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ऐसे कुछ नए अपडेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।